जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड नाविक जनरल ड्यूटी डोमेस्टिक ब्रांच 02-2023 के आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग पता है कि आपके 6 फेब से आपके जो एप्लीकेशन से वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन्हीं के हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स से जो आपको अपने तैयार रखने हैं, तभी आप अपना जो फॉर्म है वो आप फिल कर पाएंगे। कोई भी अगर आपका डॉक्यूमेंट स्किप होता है, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स छूटता है, तो फिर आप अपने फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो वही मैं बात करने वाला हूँ कि आपके जो एप्लीकेशन है वो आपके शुरू हो रहे हैं 6 फेब से, आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने तैयार रखने हैं, कि आपके जो ज़्यादा दिन जो आपका एप्लीकेशन चलता नहीं है, अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप बनवा लीजिए। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के डाउट्स हैं कि आप फॉर्म भरते समय किन बातों का आपका ध्यान रखना है, वो मैं आपसे बताने वाला हूँ। कास्ट और जो आपका EWS यानी कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र और EWS सर्टिफिकेट, आपको कौन सा लगाना है और कब तक का लगाना है, सारी बातें इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ कंप्लीट वॉच करें इस वीडियो को, क्योंकि कोई भी पॉइंट आपसे स्किप ना हो। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बहुत कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में, वो आपको कौन सा अपलोड करना है और आपका अगर नहीं है तो आपको क्या करना है। तो ये वीडियो कंप्लीट वॉच करें, नहीं तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब आपका होता तब ये फाइनली जाके परेशान करता है। देखिए, अगर आपका आपका क्लियर हो जाता है एग्जाम, तब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, तब EWS और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों आपको परेशान करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स DV यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके बाहर किए जाते हैं। वो चले, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने की रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर करना, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आती है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सबसे पहले जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है देख लीजिए, कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाई ऑल कैंडिडेट ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपसे बताने वाला हूँ कौन कौन से लगेंगे। फोटो आपको कौन सी लगानी है, तो पासपोर्ट साइज, रिसेंट, कलर, फोटोग्राफ आपको लगाना है। और देखिए, वहाँ पर क्या करना है कि आपको फोटोग्राफ पे अपनी जो फोटो होगी उस पर आपको ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट एंड विद हिज नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ। देखिए, आपको क्या करना है कि जो आपकी फोटो होगी वो, देखिए, क्लियर आपका लिखा वो तो आपको पता ही कि फोटो जो होगी वो स्लेट वाली होगी आपकी। ऐसी जब आपकी फोटो होगी तो उस वहाँ पर आप स्लेट अपनी चेस्ट से पकड़े होंगे और उसमें आपकी डेट ऑफ फोटो यानी कि DOP एंड आपका नाम जो भी होगा, नाम आपका जो भी होगा वो आपका उसमें मेंशन होना चाहिए। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, आपका एप्लीकेशन तो है वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड सेकंड नंबर पे अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो आपको जो सिग्नेचर आपके चाहिए, आपके जैसे आप सिग्नेचर हर जगह करते हैं वही आपके, अगर आप हिंदी में करेंगे तो वही आपको आगे चल के भी करने पड़ेंगे, अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो वही आपको आगे भी करने पड़ेंगे। तो आपको सिग्नेचर का खासा ध्यान रखना है। और आपका थंब इम्प्रेशन लगता है, लेफ्ट थंब आपका लगता है यानी कि आपका जो लेफ्ट आपका हैंड होता है उसका थंब आपका लगता है। क्लास 10th की आपकी आपका मार्कशीट लगेगा, वो आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट एक तरीके से मान सकती हैं। ये आपका डेट ऑफ सर्टिफिकेट, आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट भी काम करता है। और जो भी नाविक DV वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये पूरा आपका ना 10th की मार्कशीट लगती है। अभी GD वालों के लिए भी बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। देखिए, GD वालों का कुछ ज़्यादा नहीं है, उनका क्या है कि उनका 12th का मार्कशीट भी ऐड हो जाता है, 12th का मार्कशीट भी ऐड हो जाता है और सभी डॉक्यूमेंट्स यही सेम रहते हैं। उसके बाद क्या करना है कि क्लास 10th की आपकी मार्कशीट होगी, उसके बाद आपको आइडेंटिटी प्रूफ में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अपना आधार कार्ड ही आपको लगाना है, जैसे कि आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो आधार कार्ड का ही ID नंबर डालना। देखिए, जब होता है कि स्टेज फर्स्ट यानी रिटर्न एग्जाम जब आपका होता है, तब स्टूडेंट्स पूछता है कि मेरे एडमिट कार्ड में एक अलग जो ID नंबर डाला है, अब मैं आके अपनी मार्कशीट लेकर जाऊँ, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ID नंबर में आपको वहाँ पर जो आपको वहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालाना है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, सिर्फ और सिर्फ अपना एग्जाम सेंटर पर आप आधार कार्ड ही लेके जाएं। तो बात ध्यान रखनी है कि आधार कार्ड में ही अपना ID नंबर डलाएं, आधार कार्ड का ही अपना जो नंबर है वही ID नंबर पर आप डलवाएं। आपको उसके बाद क्लास 10 की मार्कशीट लगेगी, आपके सर्टिफिकेट के रूम में लगेगी और एक आपकी जब आप अपना एप्लीकेशन फिल करेंगे तब लगेगी। क्लास 10 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट यानी दोनों एक ही में होते हैं तो वो आपको लगेगी। EWS SC ST OBC की क्या है कि उनको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, इसकी मैं बात बोलूँ तो ये आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रल का आपका कास्ट सर्टिफिकेट और EWS होना चाहिए। अगर अनरिजर्व से अगर आप बिलोंग करते हैं तो फिर आप सिंपली सा अनरिजर्व ही फिल कीजिए, वहाँ पर आप EWS से फिल मत कीजिए। अगर आप EWS है आपके पास तो ज़रूर कीजिए, मैं आपको रोकता नहीं हूँ, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर कीजिए, अगर आप नहीं है तो फिर अनरिजर्व से आप कर सकते हैं, जैसे आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं। और SC ST OBC को क्या है कि उनको कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी यानी चाहिए ही चाहिए, उनके बिना आपका एप्लीकेशन जो है वो फिल नहीं होगा। और उसके बाद क्या है कि स्कैन सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, फादर, मदर और गार्जियन इट्स कैंडिडेट्स अप्लाइंग इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, अगर 18 साल से आपकी कम आयु है तो आपके माता पिता के जो सिग्नेचर वगैरह होते हैं वो आपके वहाँ पर एक आपसे फॉर्म पूरा लिखाया जाता है, उसमें आपको लिख के पूरा अपने हैंड से और उसमें सिग्नेचर आपके चाहिए होते हैं आपके गार्जियंस के, पेरेंट्स के। उसके बाद हैंड रिटन जो आपका डिक्लेरेशन होता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इसके ही आप पे इस पर आपके सिग्नेचर कराए जाते हैं।
उसके बाद आपको क्या करना है कि ये तो आपके लिए नहीं है मैंडेटरी क्योंकि यहाँ पर आपका नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इफ़ द बोर्ड इज इशूइंग ओनली क्लास 10 मार्कशीट एंड नॉट द क्लास 10 पास सर्टिफिकेट देन द कैंडिडेट्स अपलोडेड क्लास 10 मार्कशीट फॉर 10th क्लास सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपको क्या है कि क्लास मार्कशीट फॉर क्लास 10th आप सर्टिफिकेट वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब तो आपकी जो मार्कशीट आती है उसी में आपका सर्टिफिकेट होता है, तो आपको कोई भी इशू नहीं है इस बात का। अब जो थोड़ी डॉक्यूमेंट्स आपके बचे हुए हैं, क्या है कि क्लास 12th क्या अगर आप GD का एप्लीकेशन अगर आप फिल करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आपको क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको फिल करना है। वो ये वही तो आपकी यहाँ पर भी लिखी हुई है। अब देखिए मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ कि आपको कास्ट और डोमिसाइल कौन सा लगाना है। तो कास्ट मैंने आपको बोल दिया कि आपको सेंट्रल लेवल का ही लगाना है और ये सिर्फ OBC SC ST कैंडिडेट्स के लिए ओनली है। कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का लगाएं और ये किसके लिए है, OBC के, SC और ST कैंडिडेट्स के लिए। इन तीन कैटेगरी के लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी है और अनरिजर्व कैटेगरी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अपना अनरिजर्व से ही फिल करें तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप EWS से फिल करना चाह रहे हैं तो फिर आप EWS बनाइए और उसमें अपना सेंट्रल लेवल का होना चाहिए और वो तब तक वैलिड होना चाहिए जब तक आपका पूरा स्टेज सेकेंड का उसमें डेट मैंसन हो। मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा उसका जो जो भी जब कब तक आपका जो डॉक्यूमेंट्स वो वैलिड हो वो वहाँ पर जाकर आप देख लें, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वहाँ जाकर ज्वाइन करके वो आप देख लेना। तो आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है कि अपना जो भी आप नंबर वगैरह अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वगैरह डाल रहे हैं या अपना डॉक्यूमेंट्स जो भी अपलोड कर रहे हैं थंब अपना अपलोड कर रहे हैं फोटो, जैसे कि मैंने आपको ध्यान रखने वाली बात है कि फोटो में आपका नेम और आपका डेट ऑफ फोटो होना चाहिए। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है जिससे आपका कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए। फिर भी कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप अगले, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।